Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद और आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वी लॉग। आज हम बात करेंगे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया जानती है कि वो एक ज़हीन काबिल रजीम इंसान थे, और आज हम जो वाक़ियात आपको बताएंगे उनसे आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया ऐसे ही हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़हानत की मोतरफ नहीं है, और ऐसे ही उनको काबिलियत और ज़हानत पर दाद नहीं दी जाती। स्पेन में जीवे पाकिस्तान के एक दोस्त असगर अली साहब अक्सर तारीखी वाक़ियात लिखते रहते हैं और जीवे पाकिस्तान के कायरीन की नज़र करते रहते हैं। उन्होंने ही गुज़िश्ते दिनों कायदे आज़म की ज़हानत के चंद वाक़ियात रकम किए ताकि नौजवान नस्ल को इससे आगाही हासिल हो सके। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ये वाक़ियात आज आपकी नज़र कर रहा हूँ। कायदे आज़म की ज़हानत के बारे में उन्होंने जो वाक़ियात लिखे उसमें वो एक रेल के सफ़र की कहानी बयान कर रहे हैं। कायदे आज़म सफ़र के दौरान अपने लिए दो बर्थें क्यों मखसूस कराते थे, ये एक दिलचस्प वाक़या है। इस हवाले से बाज़ दफ़ा कायदे आज़म से पूछा भी गया और एक मरतबा उन्होंने इस सवाल के जवाब में एक वाक़या सुनाया। उन्होंने बताया कि मैं लखनऊ से बम्बई जा रहा था किसी छोटे से स्टेशन पर। जब रेल रुकी तो एक एंग्लो इंडियन लड़की मेरे डिब्बे में आकर दूसरी बर्थ पर बैठ गई। क्योंकि मेरे पास एक ही बर्थ की मखसूस कराई हुई सीट थी, टिकट थी, इसलिए खामोश रहा। रेल ने रफ्तार पकड़ी तो अचानक वो लड़की बोली, तुम्हारे पास जो कुछ है फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना मैं जंजीर खींच कर लोगों से कहूँगी कि यह शख्स मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है। मैंने कागजात से सर नहीं उठाया। उसने फिर अपनी बात दोहराई, मैं खामोश रहा। आखिर तंग आकर उसने मुझे झंझोड़ा तो मैंने सर उठाया और इशारे से कहा कि मैं बहरा हूँ, सुन नहीं सकता, जो कुछ कहना है लिख कर दो। उस लड़की ने अपना मुद्दा कागज़ पर लिख कर मेरे हवाले कर दिया। मैंने फौरन जंजीर खींच दी और उसे तहरीर समेत रेलवे हुकाम के हवाले कर दिया। इस दिन के बाद से मैं हमेशा दो बर्थें मखसूस कराता हूँ। ये तो कायदे आज़म का एक वाक़या था। इसी तरह एक और हवाले से वो लिखते हैं, एक बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्कूल और कॉलेज के तलबा से ख़िताब कर रहे थे। एक हिंदू लड़के ने खड़े होकर आपसे कहा कि आप हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों करना चाहते हैं, हमें क्यों तकसीम करना चाहते हैं, आप में और हम में क्या फ़र्क है। कायदे आज़म कुछ देर तो खामोश रहे। स्टूडेंट्स ने फिर आप पर जुमले कसना शुरू कर दिए। कुछ ने कहा कि आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, और हर तरफ से हिंदू लड़कों की हूटिंग और कहकहों की आवाज़ बुलंद होना शुरू हुई। फिर कायदे आज़म ने एक पानी का गिलास मंगवाया, थोड़ा सा पानी आपने पिया और फिर उसको मेज़ पर रख दिया। आपने एक हिंदू लड़के को बुलाया और उसे कहा कि गिलास में बचा हुआ पानी पी लो, तो हिंदू लड़के ने वो पानी पीने से साफ इनकार कर दिया। फिर कायदे आज़म ने एक मुसलमान लड़के को बुलाया, आपने वही बचा हुआ पानी मुसलमान लड़के को दिया और कहा कि इसे पी लो। उस मुसलमान लड़के ने बचे हुए पानी को फौरन पी लिया। आपने फिर सब तलबा से मुहातिब होकर फरमाया, ये फ़र्क है आप में और हम में। फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया क्योंकि फ़र्क सबके सामने वाज़े हो चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी किसी को गाली ना दी, न कभी आपने किसी से बदअखलाकी की। आप अपनी बात इस कदर ठोस दलाइल से पेश करते थे कि बड़े बड़े लोग उंगलियां मुंह में दबा लेते थे और आपके सामने लाजवाब हो जाते थे। कायदे आज़म से लोगों की मोहब्बत का ये आलम था कि अगर आपसे कोई हाथ मिला लेता तो वो खुशी से फूला न समाता और सारा दिन लोगों को बताता फिरता कि आज मैंने कायदे आज़म से हाथ मिलाया है।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना इतनी मुखालफत के बावजूद एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। लोग इस बारे में हैरान भी होते हैं, एक दूसरे से पूछते भी हैं। उसकी वजह यह है कि कायदे आज़म ने आज तक अल्फाज से ऐसे मुंह नहीं निकाले, आज तक अपने अल्फाज कायदे आज़म ने आज तक अपने मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकाले जिनके बाद ये कहना पड़े कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये लीडर्स की क्वालिटी होती है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की क्वालिटी थी। हमें चाहिए हमारी नौजवान नस्ल को बताएं कि हमारे फाउंडर, हमारे बानी किस कदर ज़हीन, काबिल और अजीम इंसान थे। हमें उनकी बातें दोहरानी चाहिए। हमें अपनी फैमिलीज़ में, अपने बच्चों के साथ, अपनी महफिलों में कायदे आज़म और उनके साथियों के वाकयात और उनकी काबिलियत जहानत के वाकयात को दोहराना चाहिए, ज़िक्र करते रहना चाहिए। त्यौहारों पर जब हम इकट्ठे होते हैं तो हंसी मजाक, लतीफ़े, गपशप बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को याद रखना चाहिए। हमें बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, अलामा इकबाल और दीगर जितनी अहम शख्सियात हैं उनकी बातें, उनके वाकयात, उनकी तकरीरें अगर हम दोहराते रहें, अपने नौजवानों को, बच्चों को बताते रहें तो यकीनी तौर पर उन्हें सीखने का मौका मिलेगा, उन्हें मुखालफीन का जवाब देने का मौका मिलेगा और वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगियों में भी तब्दीली ला सकेंगे। बहुत शुक्रिया।